Hello friend. You are watching IHS Books YouTube channel. And I am Mishra from Ranjit K Animation. If you want to watch new and funny jokes of my or my friends, then go to Ranjit K Animation's YouTube channel. All links in descriptions. Thanks. Mystery Man ki is yojana ko nakam karne aur universe ko bachane ke liye Lucky Man aur uski team taiyar hai. Ab teesra match shuru hoga. Yellow Finger Slime Man hai. विक्ट्री मैन जो कि हार रहा था उसने जीतने के लिए सहारा लिया कात्सुतोशी का। जो होगा देखा जाएगा। मास्टर तैयार हो जाइए। आज विक्ट्री मैन का मुकाबला होगा पावर मैन और हार्ड मैन से। अरे फिर से वही चाल। विक्ट्री मैन, हर किसी को इसी बात का इंतजार है कि कौन जीतेगा, विक्ट्री मैन या स्लाइम मैन। देखते हैं। अरे कोई भी जीते, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? भाई वहीं रुक जाओ। ये मुकाबला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। अगर आज मुझे सही वक्त पर मदद ना मिली होती तो मैं अब तक हार जाता। तुम मेरी बात बिल्कुल पते की है। मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम मेरी चाहे हजार टुकड़े कर दो, वो फिर से जुड़ जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है, ये तो अपना शरीर जोड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि विक्ट्री मैन अभी भी नहीं जीता है। अब क्या होने वाला है? बस अब तुम देखते जाओ। ये क्या बोले जा रहे हो? हार का दर्द बर्दाश्त नहीं होता क्या? जैसे ही मेरा शरीर जुड़ जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि आज कौन जीतने वाला है। तब तक इंतजार करो। ये क्या, मेरे शरीर पर ये फिसलन? आखिर ये हो क्या रहा है? ये नहीं हो सकता। क्यों स्लाइम मैन, तुम्हें कैसा लगा मेरा जवाब? ये भैया का स्पेशल ऑयल है। इस ऑयल की एक खासियत है और वो खासियत ये है कि ये तेल बहुत ही ज्यादा चिकना है। तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए। मुझे माफ करना। जैसा कि तुम जानते हो दोस्तों, जब वो जोरदार धमाका हुआ उस वक्त मैं हवा में ही उड़ रहा था, तभी मैंने ये प्लान बनाया। मैं जानता था कि स्लाइम मैन अपने शरीर के टुकड़े फिर से जोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसने ये करा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेल उसके शरीर पर लग चुका था। अरे हाँ, अगर उसके शरीर के टुकड़ों पर तेल लगा होगा तो वो आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। मुझे पता था भैया कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे। अरे वाह विक्ट्री मैन, तुमने कमाल कर दिया। मुझे पता था विक्ट्री मैन जीतेगा। मैंने कितनी बार कहा इतनी जोर से मत चिल्लाया करो। बचाओ मुझे, मैं जुड़ नहीं पा रहा। इस तेल को कोई साफ करो, मुझे वापस जुड़ना है, मुझे वापस डरना है, बचाओ। स्लाइम मैन, क्या तुम हार मानते हो या लड़ोगे? हार? मैं कभी हार नहीं मानता। अच्छा तो तुम और लड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं विक्ट्री मैन को बुला के लाता हूँ। मेरे पास बैंड बजाना। मैं रिंग में अपने आप आऊंगा और फिर तुम रिंग के बीच में मेरा हाथ उठाकर मुझे विजेता घोषित करोगे। लेकिन तुम जमीन पर क्यों रेंग रहे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, हम जाकर उठा देते हैं ना। विक्ट्री मैन को किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं। क्या कहा? उसने आज तक जितने भी मुकाबले किए हैं उनमें उसने जीत ही हासिल की है और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो जब भी किसी मुकाबले के लिए उतरता है तो हार बिल्कुल नहीं मानता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आ रहा हूँ भैया। और ये विक्ट्री मैन बहुत जबरदस्त हीरो है, क्यों पाजी? हमको भी ऐसा ही लगता है। हमको भी। ए, 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 ए,
मास्टर कोशिश कीजिए मास्टर बहुत बढ़िया मास्टर आप कर सकते हैं कोशिश कीजिए मास्टर मास्टर मैं आपके साथ हूँ कोशिश कीजिए आप कर सकते हैं मास्टर मास्टर वो है विक्ट्री मैन विक्ट्री मैन आइए विक्ट्री मैन है विक्ट्री मैन अरे ये तो विक्ट्री मैन विक्ट्री मैन विक्ट्री मैन विक्ट्री मैन हम किसी की तरफ नहीं चुप रहो विक्ट्री मैन तुम कर सकते हो विजेता है सबका चहेता विक्ट्री मैन अरे वाह मजा आ गया विक्ट्री मैन ने तो कमाल कर दिया तुम बहुत बहादुर हो विक्ट्री मैन भैया ने कर दिखाया अरे ये तो इसने चमत्कार कर दिया ऐसी लड़ाई मैंने पहले कभी नहीं देखी मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा क्या क्या बात है इसने तो वाकई में कमाल कर दिया विश्वास पर खड़ा उतरा है विक्ट्री मैन तुम ठीक तो हो ना हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन रेफरी मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है मुझे नहीं लगता मुझ में ज्यादा ताकत बची है क्या स्लाइम मैन आगे लड़ना चाहता है मुझे तो नहीं लगता स्लाइम मैन आगे लड़ पाएगा मेरे बारे में ऐसे बोला मेरे पास मेरा हाथ अब भी है जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ ये तो आग लग गई मुझे लगता है किसी को बुझाने के लिए जाना चाहिए ये एक बहुत ही नादान खिलाड़ी था इसे मेरी चाल समझ नहीं आई लेकिन हमारा फ्लोर जलाने की क्या जरूरत थी जब तक तुम मुकाबला जीत ना जाओ तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए यही खेल का नियम है मैंने ये तजुर्बे से सीखा है क्या बात है मुझे तो पहले से ही पता था कि ये मुकाबला भी विक्ट्री मैन ही जीतेगा लेकिन इस तरह विक्ट्री मैन का जवाब नहीं लकी मैन ये बहुत बहुत गलत बात है तुम कब लड़ने जाओगे मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है बताओ ना लकी मैन तुम कब लड़ने जाओगे स्पीड मैन और स्लाइम मैन को हराने के बाद विक्ट्री मैन अब ब्रेक लेने जा रहा है ये है नया लायन ड्रिंक पहले पीजिए पैसे बाद में दीजिए ये बेकार सा ब्रेक कहाँ से आ गया म्यूटेंट ये आवाज तो हाँ डेसियो क्या बात है हाँ मैं यहाँ पर हूँ म्यूटेंट ये स्पेसशिप मैंने स्पेशल ऑर्डर पर बनवाई है इससे हम हीरो ग्रह पर जा सकते हैं क्या मैं लकी मैन को देखने जा सकती हूँ ठीक है मैं कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ अभी रुक जाओ इतना वक्त नहीं है जल्दी करो तुमने मुझे भी साथ में ले जाने का फैसला किया शुक्रिया इसकी कोई जरूरत नहीं अच्छा हुआ मुझे भी कंपनी मिल गई और वैसे भी हमें वहाँ जाना ही था अपने हीरोज का हौसला बढ़ाने वो वहाँ यूनिवर्स को बचाने के लिए लड़ रहे हैं डेसियो तुम अचानक उदास क्यों हो गए इतना अच्छा होता अगर हमारा दोस्त चूहना भी हमारे साथ चलता कोई नहीं अगर वो नहीं है तो क्या हुआ मैंने उसके मम्मी पापा को बुला लिया है हेलो बेटी कैसी हो तुम पता है चूहना पिछले दो तीन दिन से घर नहीं आया है हाँ ये बहुत
कितनी अजीब बात है। हाँ, जब भी लकी मैन हमारे सामने होता है तो छोना अचानक कहीं गायब हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोना और लकी मैन, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अपने आप से क्या बातें कर रही हो? मुझे पहले से ही लगता था कि ऐसा ही है सच में। अब कुछ बताओगी भी या नहीं? मुझे पता है कि लकी मैन की असलियत क्या है। लकी मैन की असलियत? लकी मैन की असलियत आखिर है क्या? लकी मैन बहुत ताकतवर है और इसीलिए छुआना उससे डरता है। और इसीलिए जब जब लकी मैन आता है छुआना गायब हो जाता है। वो खुद इतना अनलकी है कि उसे लकी लोगों से डर लगता है और इसीलिए वो दो दिनों से गायब है, समझे? पता नहीं इसे क्या हुआ है। सही कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। उसने बहुत अच्छा किया, शाबाश विक्ट्री मैन। आपने सही कहा मिस्ट्री मैन। मिस्ट्री मैन नहीं, मुझे मिस्ट्री मैन सर कहो। माफ कीजिए सर, बोलना मुझे थोड़ा अजीब लगता है। वो स्कूल के दिनों में पढ़ाई में बहुत कमजोर था और मेरे सर मुझे बहुत मारा करते थे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको सिर्फ मिस्ट्री मैन ही कहकर बुला सकता हूँ। माफ कीजिए। आज तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन याद रहे ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुझे इज्जत से पुकारा करो। जैसा आप कहें। सर आप मुझे ही डांटते रहेंगे या उस ताकतवर विक्ट्री मैन से लड़ने के बारे में भी सोचेंगे? हमारी बातों से ऐसा लगता है कि विक्ट्री मैन बहुत ताकतवर है। तो एक काम करते हैं, अगली फाइट डबल टीम फाइट करवाते हैं। मेरे दो योद्धा एक साथ लड़ेंगे तो जीत हमारी पक्की होगी। लेकिन रेफरी ये बात नहीं मानेगा ना, और वैसे भी हमें उसके साथ ये नहीं करना चाहिए। उसको देख के लगता नहीं है कि वो एक साथ दो लोगों से मुकाबला कर पाएगा। तुम्हारी बात भी सही है, रेफरी तो मानेगा नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये हारने वाला नहीं है। इसकी आंखों में मुझे एक चमक सी दिखाई देती है, हमें इसके पीछे के राज को जानना ही होगा। अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें ये राज जानना ही होगा, और इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। जाओ पता करो। तो ठीक है, अब अगला कौन है? देखो तुम लोग अकेले अकेले मत आओ, तुम सब साथ में आकर मुझसे लड़ो, तभी मजा आएगा। ये देखो, इसने तो खुद ही हारने का इंतजाम कर लिया। आप जो भी कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं मिस्ट्री मैन सर। ध्यान से सुनो, रेड फिंगर और ब्लू फिंगर तुम दोनों इस बार एक साथ विक्ट्री मैन से मुकाबला करोगे। ये मेरा ऑर्डर नहीं है, मिस्ट्री मैन सर का ऑर्डर है। अगर मिस्ट्री मैन सर चाहते हैं कि हम दोनों साथ में लड़ें तो हमें उनकी बात माननी ही पड़ेगी। तुम दोनों साथ में लड़ोगे? घबराओ मत, मैं इन दोनों से साथ में ही निपटूंगा। लेकिन पहले तुम अपनी हालत तो देखो। मेरी हालत शायद ठीक नहीं है, इसीलिए मैं इन दोनों से ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाऊंगा। तो मैं इन दोनों को बहुत जल्द ही हरा दूंगा। अरे भैया, आप खामखा जिद क्यों कर रहे हैं? मुझे उससे लड़ने दीजिए। ये सब ये सिर्फ मशहूर होने के लिए कर रहा है। क्या तुमने विक्ट्री मैन को बिल्कुल अपने जैसा समझ लिया है? अब मेरी इतनी तारीफ मत करो। हे ब्लू फिंगर और रेड फिंगर, चलो मुझे जल्दी से अभी के अभी अपनी असलियत बताओ, समझे? जब हम साथ हो तो हमें हराना हो जाता है नामुमकिन। अरे हे ये, अब ये कौन है? तो सभी तैयार हो जाइए एक और शानदार मुकाबले के लिए। और अब इस मुकाबले में ब्लू फिंगर और रेड फिंगर मिलकर एक साथ लड़ेंगे, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है दोस्तों। मेरा नाम है पावर मैन। ये किस तरफ जा रहा है? तो यहीं आ रहा है। अरे इधर क्यों आ रहा है जे? आ, 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 आ,
से भागो। पावर मैन बहुत अच्छे, हम डायमंड स्टार से आए हैं और इस यूनिवर्स में डायमंड से ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात और है, मुझसे ज्यादा हार्ड कुछ नहीं। हार्ड मैन बहुत ही जबरदस्त है, कमाल है। अरे वाह क्या बात है, वो तो डायमंड को भी काट सकता है। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि विक्ट्री मैन अकेला है और वो दो हैं। दोनों दोस्त हैं इसीलिए साथ आए हैं। मास्टर आप उनकी तरफदारी करना जरा बंद कीजिए, इस तरह से तो विक्ट्री मैन के लिए लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्यों क्या कहते हो? अरे नहीं ये खतरनाक है। हाँ वो तो है मास्टर। लकी कुकी मजा आ गया, मैं इसे अपने ग्रह ले जाऊंगा। मास्टर इस समय आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो सुनो पावर मैन, क्या तुम मुकाबले के लिए तैयार हो? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इन सब को हम आराम से धूल चटा के पूरे यूनिवर्स पे कब्जा कर लेंगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जब पावर मैन और हार्ड मैन एक साथ होते हैं तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अरे उनके पास तो हथियार भी है, इस तरह से तो विक्ट्री मैन हार जाएगा। नहीं नहीं, जीत तो विक्ट्री मैन की ही होगी। अरे लेकिन उनके पास हथियार है तो विक्ट्री मैन कैसे जीतेगा? मैंने कहा ना वही जीतेंगे। चाहे उनका मुकाबला किसी के भी साथ हो, चाहे रिंग में कोई भी मौजूद हो, जीत हमेशा विक्ट्री मैन की ही हुई है। लेकिन भैया तुम्हें विक्ट्री मैन पर इतना भरोसा है क्या? हाँ तुम सही समझे, खुद से भी ज्यादा। भैया आप जरूर जीतेंगे। ये परिंदे यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी ये क्या हो गया? मेरी स्लीपर्स टूट गई। क्या हुआ, तुम इनके बिना लड़ नहीं सकते क्या? काली बिल्ली, इतनी सारी काली बिल्लियाँ, वो भी यहाँ, लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? ओए ओए मजा आ गया। मास्टर आप अनलकी कैसे हो गए? चलो शुरू करें। भैया मैं हूँ लकी मैन, लकी मैन, लकी मैन। पता नहीं मुझे बहुत ही डर लग रहा है। क्या पूरी तरह से घायल विक्ट्री मैन पावर मैन और हार्ड मैन की जोड़ी से जीत पाएगा? लकी मैन फाइट कब करेगा और विक्ट्री मैन के बाद क्या होगा? यूनिवर्स में इस वक्त बहुत ही अजीब सा माहौल है। आधी मछली आधी इंसान, ऐसा भी हो सकता है क्या? छुओ ना, छुओ ना। गुड मॉर्निंग पापा मम्मी। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा तुम्हारे मम्मी और पापा बैठे हैं? इस तरह से हंसना बंद करो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या हुआ बेटा? ये अभी हंस रहा है। हाँ, मेरे बेटे को क्या हो गया? जब भी छुओ ना हंसता है तो मुझे रोना पड़ता है। मास्टर छुओ ना, देखो सुगीता आ गया है।
अरे हंसना बंद भी करो। अरे मास्टर आप हंस क्यों रहे हैं? दुर्योकू तुम्हें पता है मैं इतनी छुबा छुबा क्यों हंस रहा हूँ? इसके पीछे एक वजह है। कौन सी वजह है? तुम तो हमेशा मेरे साथ रहते हो, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए। बात तो सही है पर मैं नहीं समझा। चलो मैं ही बता देता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं तैरने जाने वाला हूँ जहाँ कोई भी आ सकता है। तुम भी चलोगे? चलो। सभी बच्चे आ गए हैं, आज हम आपको तैरना सिखाएंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा उछल क्यों रहे हो? दरअसल बात कुछ नहीं है सर। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, आज बहुत मजा आएगा, आज मैं एक अच्छा तैराक बन के ही रहूंगा। पर सर पता नहीं इसे क्या हो गया, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। वो तो दिख ही रहा है। मेरे दोस्त मैं भी तुम्हारी तरह अच्छी तैराक बनना चाहती हूँ। अभी आ गई है तो मेरे छात पनौती तो होगी। घर पे बैठी बैठी बोर हो रही थी तो सोचा चलो चल कर तैरना ही सीख लूं। क्यों? मेरे दोस्त कहाँ गए? पहले कि वो मुझे देख ले मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? अरे मुझे कोई तो बचाओ, बचना मुश्किल पड़ गया। मियो चैन अगर वो मुझे छिका देगी तो मैं नंबर वन तैराक बन। मियो चैन क्या तुम मुझे तैराकी नहीं छिकाओगी? नहीं मैं तो बस देखने आई हूं। मुझे कौन छिकाएगा? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुमसे ही छिकूंगा। अच्छा क्यों किया तुमने? मियो चैन चलो ना तैरने के लिए चलते हैं। तैरना अच्छा होता है, अगर तैरना चाहती हो तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा लगा, पता नहीं कैसे अजीब हरकतें करता रहता। मियो चैन तो पहले से बहुत ताकतवर हो गई है। मास्टर ये तो आपने बिल्कुल हद ही कर दी। बेहतर होगा जाके अपना काम करो, छोड़ो मुझे। आपको तो पता है कि आपके बिना मैं कुछ नहीं करता। वैसे वहाँ ऊपर देखिए वो कौन खड़ा है? ये तो मिदाचू है। सभी लोग ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से कूदने वाला हूँ और उसके बाद मेरा नाम छपेगा खिताबों की किताब में और मैं हो जाऊंगा मशहूर। इसकी हरकत देखकर तो पता ही है कि क्या होने वाला है। मास्टर आप ठीक तो है? अरे मुझे कोई तो बाहर निकालो, मुझे तैरना। मुझे पहले से ही पता था कि इन्हें तैरना नहीं आता, चलो कम से कम अब इनका शौक तो पूरा हो जाएगा। अरे मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बाहर निकालो यहाँ से जल्दी। मास्टर मास्टर आप पानी के अंदर क्या कर रहे हैं? मुझे आज जल्दी से बाहर निकालो। माफ कीजिएगा, लगता है इसे मेरी फिक्र नहीं है, ये तो बचाए बिना ही चला गया। अरे मुझे छांच नहीं लिया जा रहा, मुझे बचाओ। मैं पढ़ लेता हूँ आखिर तैरते कैसे हैं। तुम तैरना बाद में भी छीन सकते हो, अभी मुझे तो बचा लो। हिम्मत कैसे हो यहाँ पर तैरने की? ये तो मेरी तरफ ही आ रही है, अब मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। अरे अरे लगता ही शॉर्ट है, अरे लगता ही नहीं है सोचपूछ की शॉर्ट है। अरे मेरे तो फंस गया, अब क्या करूँ? अरे कोई तो मदद करो, मुझे जल्दी से सुपर हीरो बनना होगा। ये तो बहुत ही अजीब सी चीज है, आधा मछली आधा इंसान। तुमने बिल्कुल सही पहचाना है दोस्त, मैं वो हूँ जिसका आधा शरीर इंसान का है और आधा शरीर मछली का है। अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? ये क्या कह रहे हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बोला आधा इंसान आधी मछली। दरअसल बात यह है कि इस पूल के पानी का रंग मेरे रंग से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? देखो तुम अपना मुंह बंद ही रखो, यहाँ तुमसे कोई नहीं डरने वाला, सही कहा ना? ये इतना डरावना दिखता है कि इससे सारे बच्चे डर गए और डरकर बेहोश होकर नीचे गिर गए।
अब तो मुझे भी इससे डरना चाहिए, मुझे भी होश होना चाहिए। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? अच्छी हालत में मैं क्या कह सकता हूँ? पर कुछ तो कहना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो और जाने दो यहाँ से। नहीं, जो भी स्कूल में आता है वो मेरा खाना बन जाता है। वैसे मैं यहाँ से कूद तो सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा कूदने का मन नहीं कर रहा। वैसे भी पानी थोड़ा गहरा लग रहा है, इसलिए मैं अभी बन जाता हूँ सुपर स्टार मैन और जाकर बचाता हूँ छुओना को, क्योंकि उसे बचाने के बाद तो मैं वैसे भी मशहूर हो ही जाऊंगा। सीधी आके लकी मैन से ज्यादा ताकतवर सुपर स्टार मैन। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अब तो मैं सुपरस्टार मैन बन चुका हूँ, तब भी मुझे कूदने में इतना डर क्यों लग रहा है? कोई तो मेरी मदद करो। वो तो फिर भी बच जाएगा, मैं पानी में हूँ, मेरी मदद करो। मैं भी आया आपकी मदद के लिए। मुझे मिल गया और अब मैं बनूंगा टोरियोको मैन। पहला मेरा जोश, दूसरी मेरी ताकत, तीन चार से मुझे मतलब नहीं, पांचवी मेरी हिम्मत, मैं हूँ टोरियोको मैन। मास्टर, मैं जल्दी से किताब पढ़ लूँ फिर आपको बचाने आता हूँ। अरे पानी में कूद जाओ, तैरना सीख जाओगे। अब मुझे लकी मैन बनना ही पड़ेगा। मास्टर को तैरना नहीं आता, लगता है मैं भी उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे पानी के अंदर ही लकी मैन। मुझे बुरा लग रहा है मैं आपकी मदद नहीं कर पाया मास्टर। ये नहीं, मैं पनौती देता हूँ सबको चुनौती, खा के लकी टॉफी बन गया लकी मैन। टन टन, अब बोलो क्या बात है? अगर लकी मैन आ गया है, मुंह तो बंद करो, अब तुम्हारी खैर नहीं मास्टर, और तुम पढ़ना बंद करो। बात ये है कि मुझे लगा कि आप पानी के अंदर डूब गए और मैं आपको बचा नहीं पाया। मास्टर आ गए हैं, वरना तो मेरे हाथों से नहीं बचता। मैं उसे कौन सा लड़ने जा रहा था। तुम्हारी कोई चीज भीग ना जाए, मैं इसे रख लेता हूँ। ये मेरे काम की चीज है। देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे लेकिन तुम सब लोग हो कौन? क्या तुम हमारे बारे में नहीं जानते? ये लकी मैन और मैं टोरियोको मैन, समझे? पहला मेरा जोश, दूसरी मेरी ताकत, तीन चार से मुझे मतलब नहीं, पांचवी मेरी हिम्मत, मैं हूँ टोरियोको मैन। नहीं हूँ मैं पनौती, देता हूँ सबको चुनौती, खा के लकी टॉफी बन गया लकी मैन। टन टन, दोबारा बोल के अच्छा लग रहा है। अरे लकी, कुकी और वाटर स्किंग। मास्टर ये पड़ा ना जोर का फटका, आपने कमाल कर दिया। आखिर तुम लोगों ने ये किया क्या है? पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? अरे हाँ, समझ नहीं आता दर्द हो रहा है। काम क्यों नहीं करते? वहाँ से बाहर निकल जाओ, सबको तैरने दो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। हाँ ये तो सही कहा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, लेकिन इसकी मदद कैसे करूँ? मैंने भी सुनी है। यही सही वक्त है हमला करने का। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये देखो। मुझसे बच के दिखाओ। देखोगे इसका चमत्कार? मैं करना कुछ और चाहता था, कुछ और हो गया। इसे तो मैंने 2 सेकंड में रोक दिया, मजा आ गया। आपने तो फिर से कमाल कर दिया, तुम्हारा शुक्रिया। ओहो, तुम्हारे मुंह में दर्द हो रहा है, लाओ इसे वापस ले लेता हूँ। मास्टर आपको ऐसे देखकर मुझे तो रोना आ रहा है। अरे इतना मत रो, मुझ पर तरस मत खाओ, मैं हार नहीं मानने वाला। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम पर तरस खाया तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये क्या किया? मैं ठंडे पानी में रहने वाला जीव हूँ, मुझ पर गर्म चाय फेंक कर तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेरी दी हुई चाय पसंद नहीं आई? तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अपने दांत बंद कर लो, नहीं तो दूंगा एक लकी। देखो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। कुछ गड़बड़ है, लगता है अपनी टोपी के साथ ही फिर कोई कमाल दिखाएगा। ये मेरी ही चाल थी,
तुमने मुझे फिर से हरा दिया है। इसीलिए लोग मुझे लकी मैन कहते हैं। बिल्कुल सही फट्स, तुम्हारा भाग्य एक बार फिर से काम आया। अपनी सूझबूझ से तुमने उसे हराया। आपने उसे इतनी जल्दी हरा दिया? मास्टर, आपने तो ये सब खुद ही कर लिया, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे कहीं ना कहीं तो जाकर अपना गुस्सा निकालना ही पड़ेगा। कहाँ मारूं, कहाँ मारूं, कहाँ मारूं? वो खम्भे पे मारूंगा। एक, दो, तीन। ये खम्भे पर पंच कौन मार रहा है? रुक जाओ भाई, मैं गिर जाऊंगा। सुपरस्टार मैन का पैर फिसल गया और दुश्मन का भाग्य बदल गया। तुम्हें और कोई काम नहीं क्या? तुम फिर बीच में आ गए, इधर आओ। क्या तुम्हें मुझसे जीतने का ये तरीका ठीक लगता है, बताओ? तुम्हारा मतलब? सुनो लकी मैन। हाँ कहो ना। मेरा शरीर दो जीवों से मिलकर बना है, मैं आधा इंसान और आधा मछली हूँ। इसी वजह से ना तो कोई मछली मुझसे दोस्ती करती है और ना ही कोई इंसान दोस्ती करता है। मैं बहुत ही दुखी हूँ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ है बताओ? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर ऐसा है तो मेरी बात सुनो। ठीक है। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ तैरने चलो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ तुम्हें बहुत मजा आएगा। मैं सच कह रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ। तो फिर चलो। क्यों, अब बताओ, तुम्हें मजा आ रहा है ना? मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो गया होगा। अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। अरे ये क्या, मास्टर तो भंवर में फंस गए। लकी मैन को हारने से कोई नहीं बचा सकता। अब रह जाएगी एक ही ताकत, सुपर स्टार मैन। सुपर स्टार मैन है तो डर किसका? मास्टर मुसीबत में है और तू गाने गा रहा है। इसका मुंह बंद करने से बढ़िया मैं खुद ही मास्टर की मदद करूंगा। अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे ये क्या हो गया, ये तो यहाँ फंस गई, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? तुम्हारा खेल खत्म हुआ। नहीं, इस बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। अगर ऐसी बात है तो बचने का एक तरीका है मेरे पास। अरे वाह, इसे तो काम बन गया। तुमने मुझे और गुस्सा दिला दिया है। तुम नहीं मानोगे। आज करने के लिए कुछ नहीं है। लकी मैन भी दिखाई नहीं दे रहा है। मास्टर, अरे मेरी मदद कराओ, मेरे ऊपर से बिजली का खंभा हटाओ, मैं अपनी हार मानता हूँ, जल्दी से हटाओ इसे, हटाओ। ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, ये खामखा लोगों को परेशान करता था। क्या हुआ, क्या लकी मैन हार गया? तुम जाके गाने क्यों नहीं गाते? समझ में नहीं आ रहा, इस बार मैं लकी कैसे हो गया? Let me explain first. तुमने दुश्मन को बहुत समझाया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। लगता है तुम नहीं मानोगे। तुम्हारी टोपी ने बढ़कर स्वयं को दीवार के पार पहुँचाया। अरे ये क्या हो रहा है, चलो जो होगा अच्छा ही होगा। तुम्हारे कारनामे ने फिर से सबको चौंकाया। तुम्हारी करामाती बढ़ती टोपी ने दीवार को भी तोड़ गिराया और अंततः तुम दोनों को पानी के बहाव के साथ पास ही मौजूद एक खंभे तक पहुंचाया। ये वाकया किसी को समझ तो नहीं आया पर तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें फिर विजयी बनाया। ये कैसे हो गया, हम भी नहीं देख पाए। अरे मेरी मदद करो, मेरे ऊपर से बिजली का खंभा हटाओ, मैं अपनी हार मानता हूँ, जल्दी से हटाओ इसे, हटाओ, मैं हार मानता हूँ। आखिरकार मैंने उस आधे इंसान आधी मछली को भगा ही दिया। नहीं, ये सब लकी मैन का कमाल है। और सोच में
लकी मैन हमेशा आपके साथ है। वो ये हर बार यही कहता है। इसने तो हमको भिगा दिया है। अरे हम भी भीग गए जी, हम ऑफिस कैसे जाएगा? तुमको तुम्हें हम सबसे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, माफ कर दो, मैं चला। और तुम कहाँ जा रहे हो? इस स्विमिंग पूल की मरम्मत कौन करेगा? आप ही करा लेना। मैं कुछ नहीं जानता। वैसे इस काम को वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। अच्छी तरह से कर सकते हैं हम दोनों? ये दोनों तो मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं चला। मास्टर, आप हमेशा मुझे छोड़कर चले जाते हैं। मैं आ गया, फिर छे तैरने जाता हूँ। अरे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? शोर मचाना बंद करो, मुझे अपना काम करने दो, क्योंकि मैं हूँ सुपर स्टार मैन। किसी ने चूहना को देखा है क्या? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चलो सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। जो भी बच्चा उससे पहले ढूंढ कर लाएगा, उसे मैं एक महीना मुफ्त में तैरना सिखाऊंगा। क्या सच में सर? अगर ऐसा है तो हम चूहना को जरूर ढूंढेंगे। मिल जाएगा। तो इंतजार किस बात का है बच्चों? चलो चूहना को मिलकर ढूंढते हैं। मैं छुप जाता हूँ, क्या पता मुझे मियो चैन ढूंढ ले। पता नहीं हम चूहना को क्यों ढूंढ रहे हैं। वो आ गई। अरे वो रहा चूहना। पानी में गिरने के बाद मुझे बहुत चोट लग गई। तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मेरे दोस्त? तबीयत और खराब हो गई। देखने के लिए हीरो टीम बहुत ही बहादुरी से लड़ी। मिस्ट्री मैन के सपने को पूरा करने के लिए योद्धाओं की एक टीम बनाई गई थी। बहुत ही खतरनाक लड़ाइयां हुई और आखिरी लड़ाई में जीनियस मैन ने लकी मैन को एक एक्वेरियम में बंद कर दिया और उसे पानी में डुबाकर हराने की कोशिश की, लेकिन अपने लक की मदद से लकी मैन फिर से बच गया। ये टांग मैं छोड़ देता हूँ। तो इस मुकाबले के विजेता हैं लकी मैन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा विलन मिस्ट्री मैन लड़ेगा लकी मैन से। ये लकी मैन, ये क्या बात हुई? लक से तो कोई भी जीत सकता है। अरे मैं तो कुछ भूल गया, वो बहुत जरूरी चीज है। अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हें एक लॉकेट दूंगा, और वो भी बहुत कीमती लॉकेट। अरे वाह, मैं जीत गया, मुझे मेरा लॉकेट चाहिए। अरे लकी मैन जीनियस मैन के पास क्यों गया है? समझ में नहीं आ रहा लकी मैन आखिर करना क्या चाहता है। अरे क्या बात कर रहे हो, मुझसे पूछो, मुझे समझ में आ गया ना। आखिर इसने लॉकेट रखा कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, देखता हूँ। अरे इसके पॉकेट में होगा। मिल गया। अरे ये क्या, लकी मैन उसे हराना चाहता है या बचाना चाहता है? मुझे तो पता नहीं था लकी मैन इतना अच्छा इंसान होगा। अयो, लकी मैन ने तो उसके पेट से पानी निकाल दिया। जय, जब कोई अच्छा सुपर हीरो होता है तो ऐसा ही करता है। ओए पाजी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। लकी मैन, तुमने मेरे पेट से पानी बाहर निकाला, सच है ये? हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हारे पेट से पानी बाहर निकाला था। दरअसल मुझे ये लॉकेट चाहिए था, कितना अच्छा है। क्या लॉकेट? वो तुम्हारे पास है? तुम सच में अच्छे हीरो हो, तुम्हारा शुक्रिया। ये लॉकेट तो सच में बहुत सुंदर है। ये मून और ये स्टार कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें। इसे पाने वाला कितना लकी होगा। अरे मैं तो भूल गया था, वो तो मैं ही हूँ। मजा आ गया। लकी मैन, मैंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा, लेकिन तुमने तो मेरी मदद की। मुझे माफ कर देना लकी मैन। अरे मुझे बुलाया क्या? शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, तुमने मुझे इतना बढ़िया गिफ्ट जो दिया है। ये सच में कमाल का लॉकेट है। अगर तुम्हारे पास और है तो मुझे दे दो, मैं अपने दोस्तों को दूंगा। क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे लिए और ले आऊंगा मैं।
तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त हर किसी को नहीं मिलता है लकी मैन। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिल पाया। अरे एक बात तो बताओ, ये लॉकेट तुमने खरीदा है ना? या हाँ, मैंने इसे खरीदा था। मुझे याद है कि मैंने इसे खरीदा था, लेकिन मैंने इसे कब खरीदा था मुझे याद नहीं। इसकी शक्ल देखकर तो नहीं लग रहा कि इसने खरीदा होगा। खैर छोड़ो, मुझे तो मिल गया, लेकिन इसके पेट में पानी भरने की वजह से ये सोच नहीं पा रहा। ये कैसे हो सकता है? दिमाग से पेट का कनेक्शन। लकी मैन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त बने रहोगे। तुम्हारे जैसा दोस्त पाना सच में बहुत मुश्किल है। तुम मेरे दोस्त हो ना लकी मैन? हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ही। सच में? अरे हाथ तो हटाओ, कंधे में दर्द हो रहा है। जीनियस मैन, तुम्हारे हाथ तो सच में बहुत मजबूत है। वैसे ये लॉकेट सच में बहुत ही अच्छा है। लकी मैन, देखो खुशी की बात तो ये है कि मुझे लॉकेट मिला, और लॉकेट से ज्यादा जरूरी है कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। मैं सच में आज लकी हूँ। लकी और लकी लकी लकी। तुमने जो मेरा सर्टिफिकेट चुराया था उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ लकी मैन। अरे छोड़ो भी, वो बात तो पुरानी हो गई। वैसे लॉकेट के लिए शुक्रिया। लकी मैन, तुम सच में ग्रेट हो। लॉकेट के बदले ये लो तुम्हारा सर्टिफिकेट, क्योंकि असली हकदार तुम ही हो इसके। हीरो नंबर वन सर्टिफिकेट। बॉस, आपने मुझे माफ कर दिया? काफी लंबा समय लगा, लेकिन आखिरकार हीरो सर्टिफिकेट तुम्हारे पास आ ही गया। तुम खुश हो ना? अब तुम एक असली सुपर हीरो बन गए हो। लेकिन बॉस, मैं एक सुपर हीरो बनने लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे जीनियस मैन ने कमाल की एंट्री की है, मजा आ गया। हाँ, वो तो शीशा तोड़कर बाहर आ गया, कमाल की एंट्री थी। अयो, ये तो एकदम नंबर वन सुपर हीरो है जी। ये उसका स्टाइल नहीं था, ये तो बॉस ने धक्का दिया था उसे। तो क्या कह रहे हो पाजी, जरा ठीक से समझाओ ना। देखो बॉस में ताकत है, लेकिन वो दिखाते नहीं है। आपकी तरह जी। सही जवाब। तुम लकी मैन को गलत समझ रहे हो। उसने तुम्हें बचाया, तुम्हें तुम्हारा हीरो सर्टिफिकेट वापस दिया। वो चाहता है कि तुम दोबारा सुपर हीरो बनो, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। लकी मैन, तुम सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी मदद की। ये तो चमक रहा है। इस फाइट की वजह से तुम्हें अपनी कमजोरी का पता चल गया, क्यों है ना? अगर तुम उसे ठीक कर लो और अपनी कमजोरियों पर जीत पा लो, तो तुम इस यूनिवर्स के सबसे बेहतर और ताकतवर सुपर हीरो बन जाओगे। समझ गए ना? मुझे यकीन है तुम अपनी गलतियों से सीखोगे और आगे बढ़ोगे। इससे बड़ी नादानी की बात भला और क्या हो सकती है? और तुम इस नादान बॉस की बात सुनना चाहते हो? तुम लकी मैन से भी हार गए, और ये बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। बॉस बिल्कुल सही कह रहे हैं, बदलने का वक्त आ चुका है। ये लॉकेट तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसे मम्मी को दूंगा, वो बहुत खुश होंगी, मेरी प्यारी मम्मी। तुम्हारा खेल खत्म है जीनियस मैन। अरे जीनियस मैन, मुझे तुम्हें शुक्रिया अदा करना था इस लॉकेट के लिए। जीनियस मैन पर अचानक हुए हमले से लकी मैन ने उसे बचा लिया। कल तक जो दुश्मन थे वो आज दोस्त बन गए हैं।
लकी मैन ने मुझे बचाया, वो सच में एक सुपर हीरो है, वो सबका ख्याल रखता है। मुझे तो बस इसका ख्याल है, ये असली तो है ना। मिस्ट्री मैन, मैं लकी मैन से हार गया, तुम इस बात का मुझसे बदला लेना चाहते हो? अब वो नहीं चाहता कि मैं उसकी टीम में रहूं। लकी मैन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि अगर इंसान अच्छा हो तभी वो बन सकता है एक सुपर हीरो। ये बहुत अच्छे जीनियस मैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। ये लोग कितनी भी मेहनत कर लें, मुझसे ज्यादा मशहूर नहीं हो सकते। बहुत अच्छे, ये तुमने बिल्कुल सही किया। मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग इस समय तुम दोनों को देख रहे होंगे वो भी रो रहे होंगे। अरे ये आवाज तो मिस्ट्री मैन की है। क्या? मिस्ट्री मैन, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। मैं इंसान नहीं, इंसानों से कुछ अलग हूं। तो आ गया है मिस्ट्री मैन। पर ये इतना शांत क्यों बैठा है? लगता है वो कुछ सोच रहा है। अच्छा तो ये बात है, कहीं मिस्ट्री मैन बैठे बैठे सो तो नहीं गया? अरे आप ही तो वो अंकल है जिसने मुझसे मिल चुकी हो। हाँ मुझे लगता है। लकी मैन, तुम सच में कमाल के हो, जिस मिस्ट्री मैन से कोई नहीं मिला उससे तुम पहले ही मिल चुके हो, कमाल है। तुम सबके आराम करने का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब बॉस और लकी मैन के साथ साथ तुम सभी हीरोज का आखिरी वक्त आ गया, और हाँ जीनियस मैन, तुम भी इनके साथ ही जाओ। ये कभी नहीं होगा, तुम सुपर हीरोज की ताकत को नहीं जानते हो। बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? अच्छा एक अच्छी खबर सुनो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। तुम जानना चाहते थे ना कि वो कौन था जिसने तुम्हारा प्रमाण पत्र चुरा कर ब्रह्मांड में फेंक दिया था? वो मैं था, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था। क्या मतलब, मुझे बेवकूफ बनाया? यकीन नहीं होता मैं तुम्हारी बातों में आ गया। इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। अब पछताने से क्या होगा, लकी मैन से फाइट होने के बाद तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तुम्हें जीनियस मैन बनाकर तुम्हारे बॉस ने गलती की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको, तुम इसे हराओगे, पहले मुझसे तो बच के दिखाओ। तुम्हें लगता है मुझसे जीत जाओगे? और ये जीनियस मैन की टीम मिस्ट्री मैन के ऊपर। बेचारा मिस्ट्री मैन। तुम्हें लगता है किसका मुझ पे फर्क पड़ेगा? तुम्हारी इस आग में मुझे ठंड लग रही है। ये क्या, तुम्हारे ऊपर मेरी बीम का कोई असर नहीं? नहीं, मेरे कपड़े तो जल गए ना, नुकसान तो तुमने मेरा कर ही दिया। इसके ऊपर तो बीम का भी कोई असर नहीं होता, कमाल है। बात तो सही कह रहे हो तुम, अब ये हमें नहीं छोड़ेगा। सही कहा तुमने, और अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। अरे तो ये है मिस्ट्री मैन की असलियत, इससे पहले इसे किसी ने भी इस तरह नहीं देखा। दोस्तों ये तो देखने में इतना खतरनाक है, पता नहीं आगे क्या होगा। ये क्या बात हुई, सब इसे ही देख रहे हैं। मेरे इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, सबसे कैसे लड़ सकता हूँ मैं? यो इसको देखकर आपकी होश की उड़ गए बॉस, आखिर बात क्या है? अरे ये है यो लाशी मैन। ये कौन है? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं समझ गया, आप इसे पहले से जानते हैं ना, जरूर इसकी आपसे कोई पहले से लड़ाई होगी, इसीलिए ये सब कर रहा है। सही कहा ना? तुम्हें कैसे पता?
बॉस सही बात तुमने कही बॉस, या फिर मैं तुम्हें कहूँ सुपर अल्ट्रा स्पेशल मैन। सुपर अल्ट्रा स्पेशल मैन, ये नाम तो सुपरस्टार मैन से भी अच्छा है। ये कैसे मुमकिन है, मुझसे अच्छा नाम किसी का कैसे हो सकता है। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारा नाम अभी भी सबसे अच्छा है। अब तो सब लोग मुझे बॉस कहते हैं। सुपर अल्ट्रा स्पेशल मैन अब बॉस के नाम से जाना जाता है। ज़्यादा हीरो मत बनो। लकी मैन, अब हम लोगों को मिस्ट्री मैन का सामना मिलकर करना होगा। लेकिन ये तो मुझे उतना खराब नहीं लगता है। सही कहा, पहले ये लोगों की रक्षा करने वाला बहुत अच्छा सुपर हीरो था। वार से देखो मुझे, मैं हूँ ब्रह्मांड की शांति का रक्षक। हेलो योनाशी मैन। योनाशी मैन, हम लोग सोच रहे हैं कि ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हम एक हीरो एसोसिएशन बनाएं। हीरो एसोसिएशन, और हम चाहते हैं कि तुम उसके बॉस बनो। क्या मैं ये कर पाऊंगा? हाँ, तुम ये जरूर कर पाओगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज हीरो स्टार को मिल जाएगा उसका सुपर हीरो। तो चलिए हम वोटिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। अब वोटिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है, हम वोट्स गिनेंगे और बताएंगे कि हीरो एसोसिएशन का पहला बॉस कौन बनेगा। ये मुकाबला योनाशिमान हार गया है। क्या? तुम्हें सिर्फ एक वोट मिला है, वो भी तुम्हारा सुपर अल्ट्रा स्पेशल मैन। तुम अपने नाम जितने ताकतवर तो नहीं हो, लेकिन तुम अच्छे हो और सबको ये बात समझ आई। तुम्हें मिले हैं 53,97,58,426 वोट, इसीलिए सुपर अल्ट्रा स्पेशल मैन बनता है हीरो एसोसिएशन का पहला बॉस। तो यही वो हीरो है जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करेगा, जो दुश्मनों से अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। लेकिन ये तो बस एक मामूली इंसान है, ये भला ऐसा कैसे कर सकता है? ये अपने दुश्मनों से कैसे लड़ सकता है? ये इस ब्रह्मांड को कैसे बचा सकता है? मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ, अब मैं भी बुरा बनूंगा और तुम सबके साथ लड़ूंगा मैं। गुड बाय हीरोज, हमेशा के लिए गुड बाय। अगर तुम इसे पहले से जानते थे तो तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? बोलो। मैं ये बात पहले से नहीं जानता था कि मिस्ट्री मैन ही योनाशी मैन है। अगर मुझे पता होता तो पहले ही तुम लोगों को बता देता। ओहो! मैं तो अभी तक ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों। बोलो लकी मैन, क्या वाकई तुम अब भी मुझसे लड़ने को तैयार हो, या फिर डर गए तो? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ। अब वक्त आ गया है कि मैं इसे अपने दो चार पैतरे दिखाई दूं। अब बोलो। लकी मैन अचानक से मिस्ट्री मैन के पास पहुंच गया। अरे लकी मैन, तुम वहाँ अकेले चले गए, तुम्हें लगता है तुम उससे लड़ पाओगे? अब खड़े हो जाओ लकी मैन। क्या मैं तुम्हारा असिस्टेंट बन सकता हूँ प्लीज? बंद करो इसे। ये क्या, लकी मैन तो मिस्ट्री मैन का असिस्टेंट बन गया। लकी मैन कब क्या करना चाहता है किसी को नहीं पता। वाह, मुझे ये अच्छा लगा। तो बॉस, अब तुम क्या करना चाहते हो? अरे बॉस, आप भी इसके असिस्टेंट बन जाओ ना। लकी मैन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो हमारी तरफ से लड़ रहे थे। मैं अभी आपकी तरफ हूँ, अगर आप इधर आ जाओ तो। मुझे मालूम था तुम भी यही कहोगे। अरे इसे वापस रख लो, मुझे डर लग रहा है। तो क्या मैं तुम्हारे साथ भी वही करूँ जो जीनियस मैन के साथ करने वाला हूँ? क्या करने वाला है? फिर इंतजार करो अपनी पारी का। जीनियस मैन, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? आगे बढ़ो।
कुछ तो करो ना जीनियस मैन। ये लो। ये क्या? हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गया। अरे फ्रेंडशिप मैन, मुझे तुम्हारी वजह से लड़ाई करनी पड़ी, कहाँ थे तुम? चुप रहो। कोई मेरी असलियत नहीं जानता है। किस असलियत की बात कर रहे हो तुम? मैं सब जानता हूँ। चुप रहो। अब मैं क्या करूँ, सब लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तुम भी जानना चाहते हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अगर बताना चाहते हो तो बता दो। तो फिर ध्यान से सुनो, कभी मैं होता हूँ एक मम्मी मैन, कभी मैं होता हूँ एक मिस्टीरियस मैन, और कभी मैं बन जाता हूँ विक्ट्री मैन, कभी मैं बन जाता हूँ मिस्टीरियस डांसर, पर दोस्तों असल में मैं हूँ एक। ये आदमी जो ऐसी बेवकूफी भरी बातें कर रहा है, हमारा विक्ट्री मैन है। बात यह है कि फ्रेंडशिप मैन काफी समय बाद आया है, और क्या ये मिस्ट्री मैन से जीत पाएंगे? और लकी मैन जिसने हीरोज को धोखा दिया है, उसका भविष्य क्या होगा? ये सब जानने के लिए रहिएगा हमारे साथ अगली बार। हेलो फ्रेंड, यू आर वॉचिंग IHS Books YouTube चैनल, एंड आई एम मिश्र फ्रॉम रंजीत के एनिमेशन। इफ यू वांट टू वॉच न्यू एंड फनी जोक्स ऑफ माय और माय फ्रेंड्स, देन गो टू रंजीत के एनिमेशन्स YouTube चैनल, ऑल लिंक्स इन डिस्क्रिप्शंस। थैंक्स। दरअसल ये लोग बहुत परेशान हैं। ब्रह्मांड के ग्रहों के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। महंगाई के कारण तो ये लोग अपना अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारे ग्रह बर्बाद हो जाएंगे। खैर, अरे ये कौन है? अरे ये तो कामाकिरी एलियन है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? काश मुझे एक सिक्का मिल जाता तो मैं कुछ खा लेता, पी लेता। प्यास लगी है, क्या करूं? अरे कुछ भी नहीं है। आखिर ये कैसा ग्रह है जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। मैं चला पृथ्वी की ओर। भूख लगी है, खाना खाऊंगा, वो रही पृथ्वी। अरे ये तो पृथ्वी की तरफ जा रहा है। अरे अगर ये पृथ्वी पर चला गया तो सबको खा जाएगा। कोई रोक इसे? क्या कोई मेरी आवाज को सुनने वाला नहीं है? कोई तो पृथ्वी की मदद करो, कोई तो उसे बचाओ। लो मैं आ गया, भागू ग्रह का वासी हूँ मैं, लकी मैन है नाम मेरा। नहीं मैं कोई महानायक, बस भाग्य पे चलना काम मेरा। अरे क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, साफ साफ कहो। विवेक का प्रयोग करो, तब तुम ज्ञान अर्जित कर पाओगे। बुरा समय जब आता है तब हाथ पकड़ लेना मेरा। नहीं मैं कोई महानायक, बस भाग्य पे चलना काम मेरा। भूखे एलियन को परेशान नहीं करना चाहिए, अब बताता हूँ तुम्हें। समझ जा मूर्ख। मैंने भी कंचे नहीं खेले, निशानेबाजी तो मैं खूब जानता हूँ, दिखाऊं क्या? ये लो। शांत हो जाओ मित्र, इतना क्रोध अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए घातक है ये। आजकल तो पता ही नहीं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है मित्र। Let me explain. मेरी भाग्य किरण जो अपने लक्ष्य से दूर थी, पहले एक उपग्रह से टकराई, फिर दूसरे से, और अंततः कामाकिरी ग्रह के एक अनजान अंतरिक्षयान से। आओ, ये बात मुझे समझ में क्यों नहीं आई? क्या कहा था मैंने तुमसे, है ना प्रबल भाग्य हमारा? लकी मैन, अरे इतनी गुदगुदी क्यों हो रही है तुम्हें? इतने लकी भी नहीं हो, मेरा असली काम तो पृथ्वी पर है, मैं जा रहा हूँ। पलायन ना करो मित्र। तो कैसे बना मैं लकी मैन? जिस दिन ये सब हुआ उस दिन छोना नोईचू नाम के इस बदनसीब बच्चे के दिन की शुरुआत भी हर दिन की तरह अच्छी नहीं थी। अरे कोई इसे बंद करो। अरे चुबा चुबा ये अलार्म क्यों बजने लगा? ये घड़ी कहाँ गई? मेरी ये घंटी बज गई, अब मुझे उठना होगा। कितना प्यारा छपना देख रहा था मैं। बंद करो ये चीची, एक तो मुझे करंट लग गया और तुम लोग मुझे अनलक्की का मजाक उड़ा रही हो।
कभी तुम गिर जाते हो, कभी तुम्हें करंट लग जाता है। रोज एक नई कहानी सुनने को मिलती है मुझे। क्या तुम ये चाहते हो बेटा कि तुम्हारी मम्मी को उनकी सहेलियाँ ब्यूटी पार्लर में या किटी पार्टीज में ताना मारे? उफ, इतना बोली हूँ, कहीं मेरा मेकअप तो नहीं खराब हो गया? बताना बेटा, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर खुजली मिटाने वाला पाउडर छिड़क देती हूँ। पाउडर से और खुजली होती है? ऐसा नहीं है बेटा, इससे तुम्हें बैंडेज के अंदर खुजली नहीं होगी। मम्मी और खुजली हो रही है। बेटा, मैं तो तुम्हारी भलाई के यही ये सब कर रही हूँ। अच्छा, अरे ये लो पाउडर। आपने मुझ पर पाउडर क्यों डाला? माफ करना जी, नहीं करूँगी। मैं जा रहा हूँ, छुबा छुबा खोल जाओ तो बहुत मजा आता है। साइकिल चलाने में तो और भी मजा आता है। मुझे जल्दी से जाके मियो चैन से मिलना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं आ रहा हूँ मियो चैन। मुझे ये चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में भी डालनी है। अरे ये तो मियो चैन है। मियो चैन, हाँ? लग गई पनौती, ब्रेक टूट गया। अरे अरे, ये तो मेरा दोस्त है। अरे नहीं, एक और पनौती। अरे ये तो मेरे से मिलने के लिए जल्दी जल्दी आ रहा है। हट जा, इसके हाथ में तो कुछ है, लगता है ये मेरे लिए हिला रहा है। जब तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी थी तो फिर तुमने मेरा नाम क्यों लिया, बोलो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बुरी बात है, समझे? अरे चुनो, रुको मियो चैन। अरे रास्ते से तो क्यों, लगता है आज मेरा पनौती डे है। आज तो मैं गया। मेरा चर क्यों चकरा रहा है, सब कुछ क्यों धुंधला धुंधला दिख रहा है? ओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये बात समझ नहीं आ रही, जरा देखना। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए चाहिए, नहीं तो। वो अजीब चीज क्या है, वो लोगों को परेशान क्यों कर रही है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब मुझे खाना आसपास में जरूर मिलना चाहिए। लोगों को मेरी जरूरत है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है वो बच्ची मेरी मदद कर दे। ओ, ये तो मेरी तो रोपी आएगा। मुझे खाना खिलाओगी? इसे मैं नहीं देखी क्या? ए, मियो चैन को छोड़ो। तो मैं आ गया। अब भला तुम कौन हो? भागू ग्रह का वासी हूँ मैं, लकी मैन है नाम मेरा। नहीं मैं कोई महानायक, बस भाग्य पे चलना काम मेरा। मेरा नाम छुओना नोइचू है। अगर तुम छुपर हीरो हो तो मेरी दोस्त की मदद करो। देखो, मैं इस समय किसी की सहायता करने की मनस्थिति में नहीं हूँ। अरे क्यों? मैं अपने रहस्य अपरिचितों को नहीं बताता। बेटा सभा तैयार हुआ? मैं वही कर रहा हूँ माते। अरे स्मरण आया, मुझे तो अनेकों वस्त्र आदि भी धोने हैं। है? अगर तुम कपड़ा धोओगे तो इन्हें कौन धोएगा? तुम धोओगे। तुम भाग्यशाली क्यों नहीं बन जाते? है? भाग्यशाली बनकर तुम महामानव नहीं बन जाओगे, मगर हाँ, यदा कदा पिटने से अवश्य बच जाओगे। अच्छा क्या? भाग्यशाली बनकर तुम उस नमूने को धो सकते हो और अपने मित्र की दृष्टि में महानायक बन सकते हो। अच्छा हो सकता है क्या? जल्दी से मुझे छुपा लीलो बना दो, जल्दी करो, जल्दी। ये लो। कहीं ये हाजमे की गोली तो नहीं है? इस भाग्य बूटी को खाकर तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मुझे ताकत चाहिए। अरे जिसका भाग्य बलवान होता है वो सबसे बड़ा पहलवान होता है। अब मैं प्रस्थान करता हूँ, तुमसे शीघ्र भेंट होगी वत्स। तो अब बारी है लकी मैन बनने की। देता हूँ सबको चुनौती, खाकर गोली, बन गया लकी मैन। टंटन, घबराइए नहीं, मैं हूँ आपका नया सुपर हीरो। मुझे खाना
भैया? हमको नहीं पता। ये क्या हो गया जे? उसको छोड़ो, इधर देखो। आकर लकी कुकी, बन गए लकी दांत। मैं हूँ लकी मैन। अरे क्या बात है, तुम इस वक्त अपने दांत क्यों मांझ रहे हो? दांत साफ करना तो अच्छी बात है, दो बार साफ करना चाहिए दिन में। तुम भी क्या करो? ये क्या? डरो मत, मैं आ गया हूँ। बहुत खराब मत करो मेरा। अरे थूक दो। मेरा दिमाग खराब कर रहे हो तुम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मुंह साफ करना पड़ेगा। अरे वाह, मेरा पर्स मुझे वापस मिल गया। देखता हूँ इसमें 100 रुपए पड़े थे। 100 रुपए है कि नहीं? अरे इसमें तो 1000 रुपए है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना लकी हो गया हूँ। खुशी के मारे मेरे आंसू आ गए। मेरा लक वापस आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। अभी दुखी कर देता हूँ, लेकिन मैं इस पैसे का करूँगा क्या? आई गया। अरे 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 अरे। मैं जल्दी से जाके इसे बैंक में जमा कर देता हूँ। और एक गल में मन गया, मुंडा बड़ा लकी है, इसीलिए तो इसको लकी मैन कहते हैं बेटुआ। अयो काश हम भी इतना लकी होता जे। पंगा, वो भी मुझसे? वो गया कहाँ? हेलो डीकरा। अरे ये कौन आ गई? अरे अरे लग गई। आपके हमारे बैंक हमारे 10 लाख हुए। सच में लकी हैं। मैं तो सच में बहुत लकी हूँ। आपने ये 2 टिकट्स जीती हैं। आप चाहे तो किसी और को भी ले जा सकते हैं। किसी और को क्यों? मैं सबसे अच्छी दोस्त को साथ ले जाऊंगा, मियो चैन को। मियो चैन, मैं मियो चैन का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मुझे जाकर उसे बचाना ही होगा। कहाँ है तुम्हारा लकी मैन? रुक जाओ, मियो चैन को हाथ भी नहीं लगाना। क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं लकी मैन तो बन गया, लेकिन दिमाग के मामले में उतना लकी नहीं हूँ। अब क्या करूँ? घबराओ नहीं बस, तुम्हें शक्ति भले ही ना हो, परंतु अपने भाग्य से विजयी तुम ही होगे। हमला करो। लेकिन मैं हमला करूं कैसे? अपने मस्तक पर शोभित भाग्य यंत्र का प्रयोग करो। भाग्य यंत्र? मस्तक वो कहाँ है? माथे पर वत्स। अरे इसमें बीम तो नहीं है? मैं इसी से हमला करता हूँ, अब नहीं बचोगे। लो बच के दिखा दिया मैंने। लकी मैन, इस तरह के हमलों से बचना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हुआ? Let me explain, Vats. तुम्हारी ये भाग्य किरण यातायात के नियमों का पालन भी करती है। Oh, Lucky Man, बहुत बहुत शुक्रिया मदद के लिए। मियो चैन, आखिर मैंने तुम्हें बचा ही लिया। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें बचाना तो मेरा फर्ज था। अब मैं पूरे शहर की मदद करूंगा। मुझे दर्द हो रहा है। अब मेरे रहते तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। मैं हूँ लकी मैन, दुनिया का रखवाला। ओहो, अब मुझे कुछ करना ही होगा। कामाकीरी बीम। ये तो चल गया जी। तो इसीलिए तुमने मुझे नीचे गिराया? माफ करना, मुझे गुस्सा आ गया था। तुम गुस्सा कर सकती हो, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं ना, और एक दोस्त की बात तो दूसरा दोस्त समझ ही सकता है। अरे वाह, लकी मैन बनने के बाद मैं सच में बहुत समझदार हो गया हूँ। समझदारी को छोड़ो, पहले उस एलियन का कुछ करो, वरना वो हम पर फिर से हमला कर सकता है। अब उस एलियन की खैर नहीं, मैं लकी मैन उसे सबक सिखा के रहूंगा।
तुम मेरा कमाल देखती जाओ। कामाकिरी, तुम नहीं बचने वाले। आखिर ये करना क्या चाहता है? ये है लकी मैन का 2.5 ग्राम का लकी पंच। इतने धीरे धीरे चलोगे तो देखने वाले बोर हो जाएंगे। तुम्हारा कुल वजन 2.5 ग्राम होगा। क्यों, मुझे तोला है क्या? मुझे ज्यादा मत पकाओ। लगता बड़ी जोर दी लगी है। अरे उका छोड़िए, बचुआ को देखिए। अब तुम्हें पढ़ने वाली है लकी किक। अरे ये फिर से इतनी धीरे आ रहा है, पर ये लकी बहुत है। मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, मैं भाग जाता हूँ। अरे कहाँ गया ये? अनलकी मैं हूँ। कितनी बार बोला देख के चला कर, मेरे सर में दर्द कर दिया। सच में किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आज सच में लकी मैन बनके बहुत मजा आ रहा है। अभी तुम्हारे लक का तबला बजाता हूँ। धूम लक लक। अरे नहीं बचा। अरे कहाँ जाओगे, मुझसे बच नहीं सकते। मैंने सोचा था ये उससे खतरनाक है, मुझे इससे बचना ही होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें परेशान किया। तो तबला बजाना शुरू करूं? आज किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं दे रही? अरे वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ओए मन्नू, यूं क्यों लग रहा है कि मुंडा इधर कोड़ो माफी मांग रहा है? आप गलत कह रहे हैं, वो बचने के लिए झुका था। ये राम, तुम कुछ भी बोलो, वो बहुत लकी है। कुछ करो लकी मैन। तुम्हें हराने के लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है। अच्छा, एक हाथ काफी है, तो ये गया दूसरा हाथ। अरे मैं इसे जोड़ लेता, क्यों बेकार। अब नहीं बचोगे तुम। अरे नहीं बचा। अब लक तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। ओ आज नहीं हो जितने वाला है। बचो लकी मैन। ये कहां से वापस आ गया? Let me explain, Vats. कामाकिरी का शस्त्र जब तुमने फेंका तो वो घूमकर वापस आ गया और कामाकिरी को ही जा लगा। जान बची तो लाखों पाए। असी सोचिया भी नहीं सी ये जीत जाऊंगा, पर ये तो जीत गया। कहे थे ना लकी मैन है एकदम टनाटन। ये एकदम बढ़िया, बहुत अच्छे लकी मैन। आज से जब भी कोई मुसीबत में हो मुझे याद कर लेना। नहीं हूँ मैं पनौती, देता हूँ सबको चुनौती। जब भी कोई हो मुसीबत में यार, बस याद करना मुझे एक बार। बहुत ताकतवर है, वो मुझे पसंद है। मेरे को नहीं, मेरे को तो छुआना नोई चू ही पसंद है, लेकिन ये लकी मैन है कौन? छू ना नहीं छू, ये रहस्य कोई ना जाने कि अब लकी मैन तुम ही हो। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अन्यथा तुम अपनी शक्तियाँ खो दोगे। हाँ, आज के बाद मैं पनौती नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि मैं हो गया हूँ लकी मैन। मजा आ गया। छुआना नोई चू मेरा दोस्त। मैं तुम्हारा दोष नहीं हूँ। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? चलो साथ में चलते हैं। मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं ही हूँ लकी मैन। अब मैं इसे वो बात कहूँगा जिसकी इसको उम्मीद नहीं होगी, तो अब आने वाला है असली मजा। मेरी बात सुनो कान खोल के। हाँ, बोलो बोलो, मैं तो सुन रही हूँ। अब तुम मेरे पीछे आना बंद कर दो, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, समझ गई? मैं तुम्हारे पीछे कब पड़ी हूँ बुद्धू? मैं जानती थी तुम मुझे पसंद करते हो। मियो चैन, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? ये लो, ये लो, ये लो। मैं तो सच में लकी हूँ। तुम लकी, इतना मुश्किल क्यों होता है? इसका जवाब क्या होना चाहिए? मम्मी, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो।
पर जो पूछना है जल्दी पूछना, मैं काम कर रही हूँ। आप चिड़िया को रंग क्यों रही हैं? तुम्हारे पापा को किसी ने बताया है कि अगर तुम्हारे पास नीली चिड़िया होगी तो तुम्हारा बैड लक दूर हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे नीले रंग से रंग रही हूँ। मम्मी सच में तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। आप लोग मेरे लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन फिर भी छूना। तुम मुझसे कुछ और भी पूछना चाहते थे क्या? दरअसल मम्मी मेरा होमवर्क है कि अपने पापा के बारे में कुछ लिखो, लेकिन मैं क्या लिखूं? पापा क्या करते हैं मम्मी? छूना ये पूछने वाली बात नहीं है, तुम्हें पता होनी चाहिए। मम्मी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो मुझे माफ कर देना, पापा अक्सर घर पे बैठे रहते हैं ना। तो क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ पापा क्या काम करते हैं। बताइए। वो एक लेखक है। तुम्हें समझ आया ना? क्या एक लेखक है पापा? हाँ बिल्कुल, 15 साल पहले तुम्हारे पापा ने अपनी पहली किताब लिखी थी और उसके लिए तुम्हारे पापा को पुरस्कार भी मिला था। क्या सच में? उसके बाद उनकी फोटो अखबार में भी आई थी और वो मशहूर हो गए थे। मेरे पापा इतने मशहूर हैं, मैं भी उन्हीं की तरह बनूंगा। लेकिन वो अभी है कहाँ मम्मी? वो अब भी लाइब्रेरी में बैठकर कुछ लिख रहे हैं। लाइब्रेरी में? हमारे घर में अच्छी जगह है। ओहो छोला बेटा, तुम तो सच में कुछ भी नहीं जानते। पापा तो सच में काम कर रहे हैं। मेरे पापा सच में बहुत महान हैं। वो रोज बैठ के लिखते हैं और इतना लिखते हैं मुझे पता ही नहीं था। मेरे पापा तो छो रहे हैं। पापा जी उठ जाइए। अरे कब तक छोएंगे, उठिए। पापा जी उठ जाइए। पापा छोना खाना तैयार है। हाँ, मैं आया। लिखते वक्त छो रहे थे और छोते वक्त खाने चले गए। आपको पसंद तो आया ना? बहुत पसंद आया। हाथ का खाना पसंद है, मैं अपना होमवर्क कर लेता हूँ। बेटा क्या कर रहे हो तुम? पापा मैं क्या करूँ, यही तो सोच रहा हूँ। सोचा मत करो, काम किया करो, समझे? उसे देखकर मुझे अपना काम याद आ गया। मैं एक बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहा हूँ। पहले मैडम मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, मैं मिलने के लिए कब आऊँ बताएंगी जरा? अपने पेपर में ये जरूर लिखिएगा कि मुझे एक बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा मुझे सच में। अपने होमवर्क में ये जरूर लिखना, तुम्हारे पापा बहुत महान है और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलने वाला है। मैं अच्छा कैसे लिख सकता हूँ, आप दिन भर छोते रहते हैं और खाते रहते हैं, ये लिखूं क्या? छोना तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा, पापा से माफी मांगो। ठीक है, आज तक मैं ऐसा ही करता आया हूँ, आज से मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल दूंगा। छूना अब तुम अपने बदले हुए पापा के बारे में लिखना। आप कैसे बदलेंगे? आज से मैं एक नई किताब लिखूंगा बेटा। इससे पहले आपने कोई भी किताब नहीं लिखी, ये आपकी पहली किताब होगी है ना पापा? ऐसी बात नहीं। देखना बेटा तुम्हारे पापा एक दिन बहुत बड़े लेखक बनेंगे। उसका नाम क्या रखेंगे? टाइटल होगा सोचा नहीं। ये तो अच्छा टाइटल है। अब ये कैसा है, कौन बनेगा लकी? क्या बात है? मैं जो भी काम करता हूँ हमेशा अच्छा करता हूँ। लगता है हमारे जाने का वक्त हो गया, क्यों है ना? हाँ ठीक कहा। आप लोग कहीं जा रहे हैं? टीवी स्टूडियो। क्या करने? तुम्हारी मम्मी टीवी पर आएंगी। मैं तुम्हारी मम्मी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, शादी से पहले वो बहुत मशहूर गायिका थी। क्या मशहूर गायिका? परियों की रानी हूँ मैं, दूधी से आई हूँ मैं, फैलाते हूँ खुशियाँ मैं। सुनो सुनो सुनो। यही नहीं, तुम्हारी मम्मी आज भी बहुत अच्छी गायिका हैं। क्या सच में मम्मी आप बहुत अच्छी गायिका हैं?
लोगों को आपका गाना बहुत पसंद आता होगा, है ना? सही कहा बेटा, लोगों को मेरा गाना बहुत पसंद आता था। हर चीज की एक उम्र होती है बेटा, हमें लगा जब बड़े हो जाओगे तब सिखाएंगे। पापा मैं बड़ा हो चुका हूँ, गौर से देखिए। लगता है हमें देर हो जाएगी, जल्दी करो। अरे पापा रुकिए तो सही, मुझे आपसे और बात करनी है। इनसे अच्छा कोई नहीं गौर सकता। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे तुम लोग भी हो? हम सबको पता है कि आपकी मम्मी आज यहाँ पर गाना गाने वाली है, हम सब उन्हें सुनने आए हैं। अच्छा तो ये बात तुम लोग पहले से ही जानते थे, है ना? सिर्फ हम ही नहीं पूरा स्कूल जानता है छोना। ये बात मुझे आपने क्यों नहीं बताई पापा? और अब आप लोगों के सामने शाम की सबसे खास पेशकश, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। शहर की सबसे मशहूर गायिका आपके सामने गाना पेश करने वाली है, तो तैयार हो जाइए। आज भी तुम अच्छा गाती हो। ये तो सच में बहुत अच्छा गाना है, क्या आवाज है, ये सही वक्त है, मुझे सुपरस्टार मैन बन जाना चाहिए। सीधी आंखें वोट आए, लकी मैन से अच्छा, लकी मैन से बेहतर सुपरस्टार मैन मैं आ रहा हूँ। आप बहुत अच्छा गाती है। सब पीछे हट जाओ, तुम एक बहुत अच्छी गायिका हो, हमारे ग्रह को तुम्हारी ही जरूरत है, चलो। ओ ये क्या हो रही है पाजी? ये लगता है ये भी शो का हिस्सा है जी। मैं हूँ ओकाके मैन, मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था और मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, और हमारे ग्रह को तुम्हारे जैसे अच्छे गायकों की जरूरत है। तुमने इतनी जोर से क्यों मारा? बेहतर होगा तुम इसे परेशान करना बंद करो। ओ ये आदमी क्या कर रहा है? है लेकिन वो विलन क्या कर रहा है? हीरो और ये शक्ल से तो बिल्कुल भी नहीं लगता। हीरो तो देखने में बहुत ताकतवर होता है, ये तो कमजोर लग रहा है। और लगता है ये डर गया है। लगता है ये मेरे से डर गया। अब वक्त है मेरा कमाल दिखाने का, अब मुझसे बच के दिखाओ। पापा बहुत बढ़िया, आप लड़ सकते हैं, आप लड़ते रहिए, मैं आपके बारे में लिखता हूँ। बचाओ, बच गया। बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये मैं चला। अरे हमको भी चलना चाहिए। पापा के बारे में लिखने के लिए इतना कुछ है कि समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं। मास्टर मुझे तो लगता है कि इस वक्त हमें आपकी मम्मी को बचाना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। नहीं हूँ मैं पनौती, देता हूँ सबको चुनौती, खा के लकी टॉफी बन गया लकी मैन। टैन टड़ान, पहली मेरी ताकत, दूसरा मेरा जोश, तीन चार से मुझे मतलब नहीं, पांचवी मेरी हिम्मत, मैं हूँ डोरियो कुमैन। तो अब वक्त है हमला करने का। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मुझसे नहीं बच सकते हो तुम, अब संभालो मेरे 2.5 किलो का। पहले संभल कर चलना सीख लो, फिर मेरा मुकाबला करना। हम आ गए। देखो बेहतर यही होगा कि तुम मेरी मम्मी को मतलब इन्हें छोड़ दो, उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। लकी कुकी और ये किताब। तुम इस किताब का क्या करने वाले हो बताओ? इसने सही कहा, मैं इस किताब का करूँगा क्या? मास्टर किताब को खोल के पढ़ो और क्या। हाँ तुमने सही कहा, मैं देखता हूँ उसमें क्या लिखा है। आज का दिन है 1 अप्रैल, आज के दिन उभरती हुई गायिका को अवार्ड दिया जाएगा, और आगे क्या लिखा है। अरे राइटिंग बहुत खराब है। खैर राइटिंग कैसी भी हो, लकी मैन तो कुछ भी पढ़ सकता है।
लेकिन ये डायरी कुछ जानी पहचानी लगती है। लाओ मेरी डायरी, मुझे वापस करो। डायरी में छुपी हैं बहुत सी बातें, अब बता भी दो कौन सी है वो बातें। 2 अप्रैल मैंने सपना देखा कि मैं घूमने जा रहा हूँ। अगले साल 3 अप्रैल को हम दोनों की शादी हो गई और फिर उसके अगले ही साल 4 अप्रैल को हमारे यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा आया। उसका नाम हमने रखा चूना। मुझे अब भी याद है जब हम पहली बार मिले थे, वो एक गाने की परफॉर्मेंस के लिए आई थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्या आप मेरे साथ घूमने के लिए चलेंगी? हाँ। इसके बाद मैं लिख नहीं पाया क्योंकि हम दोनों की शादी हो गई थी ना, है ना? मुझे तुम लोगों की फालतू बातें नहीं सुननी है, समझे तुम? चुप हो जाओ। तुम्हें हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। इन लोगों को हराना आसान नहीं है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, कोई दूसरी तरकीब लगानी होगी। मैं क्या करूं? मास्टर, ओकाके मैन कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे। नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वक्त है लकी बीम का। लकी मैन, मुझे कम मत समझो, मैं भागने और पकड़ने में बहुत तेज हूँ। पापा मम्मी। इस बात का पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा, लकी बीम टकरा कर वापस आएगी। और तुम सच कह रहे हो? मास्टर, अब मेरी बारी है। जरा रुको। है? मैं जरूर वापस चला जाऊंगा, लेकिन क्या आप मेरी बुक पर ऑटोग्राफ देंगे? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ऑटोग्राफ? ताकि जब मैं अपने ग्रह वापस जाऊं तो सबको दिखा सकूं कि मैं एक सुपर हीरो का ऑटोग्राफ लाया हूं। और मेरे फैंस ये कहां है? हमारी फैन है। सुनिए, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मुझे ये बात पसंद नहीं आई, उसे सिर्फ डोरियोको मैन का ऑटोग्राफ चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है, आपके भी कई प्रशंसक हैं। मुझे मक्खन लगा रहा है। लकी मैन, मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज? अरे बिल्कुल, मुझे अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ देना बहुत अच्छा लगता है। बाबूआ, काम पर ध्यान दो। ये लकी मैन किसी को निराश नहीं करता। बस मजाक बहुत हुआ, ये ऐसी लड़कियां हैं कि जो भी इन्हें अपना ऑटोग्राफ देता है ये लड़कियां उनका पीछा नहीं छोड़ती है। आप तो सचमुच बहुत अच्छे हैं। सच में? क्या मुझे दोस्ती करेंगे? मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि मुझे अपने मास्टर से पूछना होगा। क्या आप अपने मास्टर से डरते हैं? डोरियोको मैन तो अब फंस गया है और अब बारी है तुम्हारी। अरे, ऑटोग्राफ करने के बाद भी लकी मैन पर इसका असर अब तक क्यों नहीं हुआ? ये मैंने क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? दरअसल बात यह है कि मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, ये देखो। ये क्या, इसने लकी मैन की जगह अनलकी मैन लिख दिया। और ये तो बड़ी अजीब बात है, अपना नाम भी नहीं लिख सकते हो। आप लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। माफी चाहता हूँ, घर जाकर थोड़ी प्रैक्टिस करूँगा। तो अरे, वो कहाँ गया? देखो, ये मेरे ग्रह का अनुबंध पत्र है, तुम इस पर हस्ताक्षर कर दो, फिर तुम सिर्फ मेरे ग्रह पर गाना गाओगी। नहीं करूँगी। कर दो ना प्लीज। नहीं, मैं नहीं करूँगी। देखो, तुम मेरे ग्रह पर यहाँ से ज्यादा मशहूर हो जाओगी, एक सुपरस्टार बन जाओगी। बात हो गया। अब मेरे इस वार से बचो। सभी लोग घबराइए मत, मुझ पे भरोसा कीजिए। ओ पाजी, ये कुछ ठीक सा नहीं हो रहा है। आपका स्वागत है। इसके हुए 309 रुपए और कुल मिलाकर हुए 712 रुपए। मैं कोई सामान नहीं हूँ। कोई तो मेरी मदद करो। इससे पहले कोई और मुसीबत आए हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखो, मेरा यान भी आ गया है। देखो, तुम्हें मेरे साथ मेरे ग्रह चलना होगा। मुझसे दोस्ती करोगे क्या? अरे नहीं, ये आखिर मेरी तरफ क्यों आ रही है? Let me explain, Vats. जब लकी मैन आसमान से गिरा तब ओका के मान का हस्ताक्षर किया हुआ अनुबंध पत्र भी गिरा।
इसके बाद उस कन्या ने डोरियोकू मैन को छोड़ ओकाके मैन की ओर ध्यान केंद्रित किया। क्यों अब अकल ठिकाने आई? कैसा लग रहा है तुम्हें? बोलो। ठीक है, मैं हार गया, लेकिन जाने से पहले क्या मैं आप दोनों की एक फोटो ले सकता हूँ? क्या सच में मेरे साथ फोटो खिंचवाओगे? हाँ हाँ। तब तो मुस्कुराना जरूरी है। अरे तुम क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? मुस्कुराओ। मास्टर, आप इसकी पुरानी वाली चाल भूल गए क्या? ये हमें फिर से फंसा रहा है। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें मेरी लोकप्रियता पसंद नहीं। मास्टर, है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, तो क्या आप दोनों तैयार है? दो फोटो लेना? नहीं, एक ही काफी है। अरे ये क्या, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और मैं भी। मैं जब भी किसी की फोटो खींचता हूँ तो वो हिल नहीं पाता। फिर से इसके जाल में फंस गए। किसी अनजान आदमी पर विश्वास ना करो। अब मैं क्या करूँ मास्टर, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ मैं? मैं इस फोटो को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। यकीन नहीं होता तो ये देखो। मैं तो हिल सकता हूँ। इसका असर तुम पर क्यों नहीं हुआ? अपने हाथ देख लेता हूँ। तुम्हारे हाथ ने तुम्हारे शरीर को छिपा दिया। देखा, मुझे पता था। मैं तुम्हारी एक और फोटो खींचता हूँ। वो तो तुम तब करोगे जब तुम इससे बचोगे। ये लो। ये तो बड़ा आसान है। ये कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। पापा, मेरे रहते हुए मेरे परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें आम आदमी की ताकत का पता नहीं है। अभी बताता हूँ तुम्हें। ये क्या? अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे बचते हो। मुझे बचा लिया। लोग मुझे अनलकी समझते हैं, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसे मम्मी पापा मुझे मिले। और पाजी, ये तो सच में कमाल हो गया। हमको तो उम्मीद भी नहीं थी। ये लकी मैन अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता होगा। पापा, मम्मी, आप लोग, अंकल आंटी, आप लोग ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। यकीन नहीं होता कि आपने इतने खतरनाक आदमी को हरा दिया। बेटा, अपनी मम्मी का ख्याल रखना। अच्छा, मत कहिए पापा। और तुम सुनो। हाँ बोलिए। तुम रोना बंद करो, क्योंकि तुम जब भी रोती हो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे हंसते चेहरे देखना अच्छा लगता है मुझे। मुझे लगता है कि जब लकी मैन की लकी टोपी मेरे ऊपर लगी थी, तब से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? पापा, अगर आप हाजमे की गोली। डरिए मत। डर कौन रहा है? हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा व्यायाम कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे तुम मेरी डरी? इसमें मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और ये भी कि किस बीमारी में कैसा इलाज अच्छा रहता है। मैं इसे पढ़ लेता हूँ। आपके इन प्रयोगों से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। आप भी? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं अभी इस डायरी में लिखता हूँ। चलो घर चले। पापा अच्छा मजाक करते हैं। असल में डोरियोकू मैन के स्लीपर्स स्टील के नहीं बल्कि पनीर के बने थे। क्या बात कर रहे हो? 150 साल से भी पहले डोरियोकू मैन मिला अपने टीचर से, जो यहाँ नहीं रहते थे बल्कि बहुत दूर स्टील नाम के ग्रह पर रहते थे। उनकी देखरेख में डोरियोकू मैन ने पूरे 150 साल बिताए और सीखा स्टील स्लिपर बनाने का असली राज। 1000 से भी ज्यादा पनीर के ब्लॉक से बनाए गए ये मजबूत स्लिपर्स, लेकिन बदकिस्मती से ये पावर मैन और हार्ट मैन के सामने नहीं टिक पाए। पावर मैन और हार्ट मैन बेरहमी से विक्ट्री मैन बना।